अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक है साहब। जैसा कि आपको पता है, वर्ल्ड कप चल रहा है और आज भी पाकिस्तान का मैच है और पाकिस्तान की बॉलिंग चल रही है। श्रीलंका ने पहले आज तो ऐसे मारे हैं। हमने उनको कहा था कि यार आप लोग श्रीलंका साउथ अफ्रीका से फेंटा करो। हमने कहा था यार फेंटा करो, जब लोग इतना मारे, कोई शर्म होती है, कोई हया होती है? वो तो थोड़े से एथिक्स होते हैं। वो चार बच्चे आए हैं हमारी टीम, चाहे छोटे छोटे बच्चे हैं पाकिस्तान के, उन पर तो जुलम तो ना करे यार। ये मेंडिस को देखो, मेंडिस ने तो आज बुरा हाल ही कर दिया टीम का। 100 स्कोर मार गया बिला वजह, ना कोई बात थी ना कुछ। तकरीबन उनका 200 होने वाला है। बाबर भाई क्यों मायूस खड़े हो? कोई बात नहीं। बहरहाल ये थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन थी मैच देखते हुए, लेकिन कोई बात नहीं, अल्लाह बेहतर करे। और आप सब सुनाएं ठीक है, और आपको आगे मिलते हैं। A few moments later. जी ये देखिए, हमारे चूजे भी अब इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे बुरा। इन्होंने इस इलाके को, इनको हमने वैसे यहाँ पे आरजी तौर पे रखा था, लेकिन यहाँ पे वो मानूस हो गए हुए हैं और यहाँ पे खूब इंजॉय कर रहे हैं। इसी अपडेट है कि शुक्र है ये मेंडल साहब दफा हुए हैं, जनरेटर ने उसको फुरका दिया सिल्वा बॉल मार के। वाह जी, पहले क्या छोड़ दिया था, लेकिन इस दफ़ा पकड़ लिया इमाम साहब ने। बनता है भाई तेरा, बनता है। दो छक्के पड़े हैं तो तीसरी भी आउट कर गया, तेरा बनता है। बहरहाल श्रीलंका के 218 पे 3 हो गए और ये 122 करके गया। चलिए फिर आपको मिलते हैं। 12 seconds later. जी भाई बुला रहे थे हमें अपनी तरफ, कह रहे आप मेरा सेटअप टूर आके देखो। तो हम उनके सेटअप को जाके देखते हैं और बताते हैं आप उन्होंने अपना क्या क्या बनाया है। A few moments later. तो भाई लोग तुसीफ की तरफ मैंने जाना था, लेकिन तुसीफ भाई इसकी मेरी भी मुझे कॉल आई कि वो थोड़े बहुत बिजी है, तो आप थोड़ा डिले कर लें, तो फिर मैं उधर ना जा सका। फिर तो उसके बाद दोस्त वगैरह बुलाने आ गए थे पार्क में, वहाँ पर हम जाके क्रिकेट खेल लिए थोड़ी। तो क्रिकेट खेल कभी घर आए हैं तो पता चला पाकिस्तान को काफ़ी बैठा पड़ गया और पाकिस्तान को 345 का टारगेट मिला है। अब ये पाकिस्तान की बारिश शुरू होने लगी है, बस कुछ ही सेकंड्स में ऑपरेट्स हमारे दोनों ग्राउंड में आ रहे हैं। देखते हैं कौन कौन आ रहा है, आपको दिखाते हैं अभी। 12 seconds later. ये टाइम आउट शुरू हो गया। आज अब्दुल्ला शफीक और इमामुल हक ओपनिंग कर रहे हैं, फखर जमान आज नहीं खेल रहा। उम्मीद करते हैं पाकिस्तान आज कुछ अच्छा करे और यहाँ से मैच जीते। आपके लिए यहाँ छोटी सी अपडेट है कि इमामुल हक भी आउट हो गए हैं, हुक खेलते हुए कैच पकड़ा दिया और मधुष्का ने उसको आउट कर दिया इमामुल हक को। बड़ा अफसोस हुआ है, कोई बात नहीं। पाकिस्तान के 16 पे एक आउट हो गए हैं और अब क्रीज पे आएंगे हमारे किंग बाबर आजम। बाबर आ रहे हैं और उम्मीद करते हैं कि आज बाबर अच्छा परफॉर्म करेंगे और पाकिस्तान को ये मैच बासानी जिताएंगे। गाइस बाबर आजम साहब आउट हो गए हैं और पाकिस्तान के 37 पे 2 आउट हैं। अब मोहम्मद रिजवान आएंगे, देखें क्या होता है। उम्मीद तो कुछ अच्छी लग नहीं रही, लेकिन फॉर द बेस्ट, देखते हैं कुछ और हो फिर तो पाकिस्तान ने कोई अच्छा किया देखेंगे, नहीं तो फिर अल्लाह लखा नहीं। सबर का फल मीठा है और पाकिस्तान ने मैच में वापसी शुरू कर दी है और ये अब्दुल्ला शफीक के बाद अब रिजवान भाई की भी हाफ सेंचुरी हो गई है। क्या प्यारा इन्होंने स्क्वायर कट खेला है और अपने स्क्वायर कट के साथ ही अपने 50 रन मुकम्मल करके अब शुक्र अदा कर रहे हैं और आवाम भी खुश हो गई है। चले शुक्र है। गाइस आपके लिए छोटी सी अपडेट ये थी कि पाकिस्तान और श्रीलंका के मैच में पाकिस्तान ने अपने आप को कम बैक थोड़ा सा किया है। अब्दुल्ला शफीक और इस दौरान ने पाकिस्तान टीम को थोड़ा बहुत बचाने में अहम करदार अदा किया है। अब्दुल्ला शफीक का 96 हो गया है और बहुत जल्द इसकी सेंचुरी होने वाली है। हमें इंतज़ार है कि जल्द वो अपनी सेंचुरी को मुकम्मल करें। और अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी हो गई थी और अब्दुल्ला साहब को बहुत मुबारक हो सेंचुरी। A few moments later. अपडेट ये है कि पाकिस्तान ने कम बैक तो किया है, अब्दुल्ला शफीक की सेंचुरी भी हो गई थी।
तो कोई नहीं, लाइट भी मैं अभी छोटा सा काम था, मैं घर से पर आया था, मेडिसिन वगैरह लाने की, तो मेडिसिन लेके घर जा रहा था, घर जाके आपको मिलते हैं। सामान लेके घर आ गए हैं और रिजवान भाई अपनी सेंचुरी के करीब पहुँच गए, आज देखते सेंचुरी उनकी। और ये रिजवान भाई की सेंचुरी हो गई है, रिजवान भाई को बहुत बहुत मुबारक हो। इन्होंने काफ़ी मैच को बचाया रिजवान ने और अब्दुल्ला शफीक ने, मैच तो काफ़ी हद तक करीब आ गया है, लेकिन देखिए अभी क्या बनता है, उसका इंतज़ार है। मैच काफ़ी अब इंटरेस्टिंग हो गया है और क्रीज पे हमारे आ गए चाचू जी, अभी देखते हैं चाचू क्या करते हैं मैच में। चाचू अपनी पहली लड़के डर गया है कि अगर चाचे की दहशत ही बड़ी। और चाचू इफ्तिखार ने सिंगल लेकर इस बार में स्ट्राइक दी है और मैच अब बिल्कुल आखिरी लम्हों में आ गया, जैसे कोई डेट आती है आपको बताते हैं। अब पाकिस्तान मैच के बहुत करीब पहुंच गया, तकरीबन 16 गेंदों में 11 चाहिए। इफ्तिखार अहमद बैटिंग पे है, जियो चाचू क्या शॉट लगाई है, मजा आ गया, मजेदार शॉट हो गया। इफ्तिखार साहब आए हैं, चाचू ने 9 गेंदों में 21 लगाया, बहुत अच्छा खेल रहे हैं चाचू, दिल गार्डन गार्डन कर दिया। दो स्कोर रह गए बस, अभी तकरीबन 13 गेंदे बड़ी हैं। और ये रिजवान ने क्या खूब चौका लगाया, कहा अभी तकरीबन 6 बजे तक लग रहा था कि पाकिस्तान ये मैच जीत पाएगा, और जब पाकिस्तान के 37 में 2 आउट हुए थे तब तो बिल्कुल ही उम्मीद छोड़ दी हुई थी, लेकिन फिर अब्दुल्ला शफीक और रिजवान ने क्या मैच को संभाला है। और अब तकरीबन 1 शॉट का मैच रह गया है, देखते हैं क्या इस बॉल में मैच खत्म होता है। ओए होए 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 होए, ये भाईजान अब 1 स्कोर रह गया है, अब देखें फिर रिजवान भाई लगाते हैं विनिंग शॉट, तो फिर उसके बाद आपको मिलते हैं। ओए होए, 1 स्कोर रह गया, अब इंतजार नहीं हो रहा कि कब पाकिस्तान मैच जीते तो हम खुशी मनाए। अभी रिजवान भाई बैटिंग पे आए हुए हैं, 1 स्कोर रह गया, स्कोर लेवल हो गए हैं। अब रिजवान भाई सोच रहे हैं कि देखें क्या करते हैं, यार जल्दी करा बॉल, यार लड़के जल्दी करा, ये बॉल आई और पाकिस्तान जीत गया, मजा, वाह जी वाह रिजवान, क्या खूब खेला तू, छा गया तू आज, बहुत अच्छा खेले हो पाकिस्तान, बहुत अच्छा खेले हो। और ये पाकिस्तान ने आज वर्ल्ड कप की हिस्ट्री में हाईएस्ट रन चेस कर दिया है, और पाकिस्तान टीम को बहुत बहुत मुबारक। A few moments later, गाइस आज का मैच बहुत ही रोलर कोस्टर की राइड की तरह था, कभी कोई जीत रहा था कभी कोई जीत रहा था, लेकिन एंड में हमारी टीम पाकिस्तान जीत गई है। कंग्रेचुलेशन टीम पाकिस्तान, बहुत अच्छा खेले और स्पेशली रिजवान भाई आपको तो बहुत ही मुबारक हो, क्या खूब खेले आप, और आपको आज मैन ऑफ द मैच भी मिला, तो इस वजह से आपको और ज़्यादा मुबारकबाद हो। तो आज के व्लॉग में इतना ही, हमारे आने वाले नए व्लॉग के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, शुक्रिया।